चलिए जुड़ जाइए आप लोग, जुड़ जाइए आप लोग सारे कमा हमारे हमारे हीट मशीन जी लाइव है। झगड़ा 2.0 एक नंबर पे ट्रेंड करा रहे हैं आप लोग। जियो शेर गर्दन उखाड़ दीजिए। शेयर लगा दीजिए, शेयर लगाइए आप लोग। सब जी बोल रहे हैं शेयर लगाने के लिए, सारे लगा दीजिए मेरे लाइव। ठीक हट। हम कर रहे हैं ना इसमें, आप किसी को पकड़ाइए। बार बार देखने बड़ी साझा चले तो बढ़िया पिक्चर में एक एक 3000। ये हमारे बद्री भैया है, ये हमारे खेसारी भैया, इधर सारे का माई, ये पंकज भैया है, संजू है, बोलो हाय बोलो। आप लोग ऐसे ही मोहब्बत देते रहिए। टाइम हमारे पास बहुत कम है, हेलो गाइस, जुड़ जाइए आप लोग। एक नंबर पे ट्रेंड कर रहा है गाना। नए साल के पहले गाने की रिलीज के साथ, और हम लोगों ने खेसारी जी के
स्कूली शूट की है आपके शहर में और बहुत खुश है ये। और पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये जो सॉन्ग रिलीज हुआ है वो शोकेस करें और फिर आप लोग इस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते क्या बोले क्या बोले ट्रेन कर रहा है मेन सेक्शन में।
म्यूजिक पे भी एक नंबर पे आने वाला है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये गाना और इस गाने को जो आवाज है खिसारी भाई ने दी है और नेहा राज ने गाना गया है और गीत और संगीत जो है वो कृष्णा बेदर्जी जी ने किया और टीम संजू ने इसका वीडियो किया है और यूपी जो थे इस गाने के योगी भाई कहाँ गए? हाँ ओके, योगी भाई ने इसका डायरेक्शन और फोटोग्राफी किया है और क्वीन शालिनी जो है वो एक्ट्रेस है इस गाने की। तो हम लोगों ने बहुत ही कुछ नया मतलब हमेशा ट्राई करते हैं खिसारी जी के साथ, तो इस बार कैसा लगा भाई जी आपको इस गाने में क्या था? एक आर्टिस्ट के लिए हर दिन उसके लिए कुछ नया, हर गाना हमारे लिए कुछ नया ही होता है और स्पेशली मैं जब भी सारे गमा के साथ काम करता हूँ तो कुछ नया करने को मिलता है, चाहे वो सेट हो या डिजाइन हो। तो गाने के पहले से डिजाइन करते हैं बद्री झा जी और मेरे साथ ही नहीं ऐसा, और मुझे लगता है भोजपुरी के जितने भी आर्टिस्ट इनके साथ काम करते हैं तो उनको कुछ नया करने को मिलता है और हर आर्टिस्ट इसी का भूखा रहता है कि हमें हमारे जीवन में कुछ नया हो और अपनी भाषा के लिए कुछ नया हो ताकि हम अपनी भाषा को बड़ा कर सकें, अपनी भोजपुरी भाषा को और दुनिया के नज़र में। आज इतने सारे गाने, बहुत सारे गाने हम लोगों ने आपके धमाका ही आर में टू किया था, हम लोगों ने बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे थे पठान के, इतने महंगे महंगे गाने को पीछे करके और दोनों जगह ट्रेंड करना पूरे इंडिया में ये बड़ी बात होती है। और एक छोटी भाषा है हमारी, हमारा बजट भी उतना बड़ा नहीं होता है, उसके बावजूद भी हम अपने चाहे वो संगीत से कहें या लिरिक्स से कहें, अपने ऊर्जा से कहें या कंपनियों की ऊर्जा से कहें या सबके एक योगदान की वजह से एक एक नंबर पर ट्रेंड करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भोजपुरी भाषा के लिए गर्व की बात है जो हम इतने छोटे बजट में भी अपने आप को साबित कर पा रहे हैं। अगर सरकार ने और पब्लिक ने सपोर्ट किया तो मुझे लगता है कि हम सिनेमा में भी बहुत जल्दी सारेगामा के साथ बहुत बेहतर कुछ करने वाले हैं और आप सबको देखने को मिलेगा। ऐसे टाटा नगरी में मैं मुझे लगता है दोबारा आया हूँ, मैं 2004 में आया था, स्टेशन के पास पुराना था वहीं पे, तो उस समय छोटा था थोड़ा सा, अब तो बढ़ गया हूँ थोड़ा सा बड़ा हूँ। हाँ पहले गाँव, पहले घर, हर दुनिया में हर आदमी का यही होता है कि पहले वो घर का होता है, फिर गांव का होता है, फिर जिला का होता है। अगर उसने अपनी ऊर्जा लगाई तो पूरे दुनिया का हो जाता है। तो ये आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है कि आदमी भैंस चराने वाला आदमी आज आप सबके बीच में इतने बड़े बड़े मीडिया, इतने हमारे अनुभव लोग हैं उनके सामने अगर हम बैठ कर कुछ बोल रहे हैं तो ये पावर भी आप सबने ही दिया है और आप सबका प्यार और आशीर्वाद ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। और झगड़ा टू में मुझे लगता है कि हम लोगों ने 7 बजे सुबह तक, 12 बजे दिन से लेकर 7 बजे सुबह तक काम किया, एक ही गाना किया उस दिन हम लोगों ने, लगातार चेंज आप देख ही रहे हैं कि 4-4 कपड़े चेंज हो गए हैं। तो ये इनका विजन होता है और मैं इनके विजन को कभी गलत नहीं ठहराता, ये जो बोलते हैं मैं करता हूँ और हर आर्टिस्ट को ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आपका डायरेक्टर अपना विजन लेके आया है तो आप उसके उसका सम्मान करें और उसके साथ रहेंगे तो शायद हर वो चीज़ें, वही रिजल्ट है कि आज एक नंबर से खुला है, ट्रेंडिंग नंबर एक से खुला है। तो ये हम सबके लिए पुष्पा के गाने रहे और कुछ अंग्रेजी गाने रहे और उसमें 2 गाने हमारे रहे जिसमें से एक सारेगामा का नथुनिया और एक कोको कोला, तो ये दोनों गाने पुष्पा के आसपास रहे और लोगों ने 200-250 मिलियन 300 मिलियन देखा उस गाने को और पिछले साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा उस गाने का। तो कहीं ना कहीं हमारा एक मेहनत है और आप सबकी ऊर्जा और आप सबका विश्वास हमें, और कोशिश करता हूँ कि आपके विश्वास पे खड़ा हूँ। इस गाने को शूट करने दिल्ली में शूट किया था, आगोश फार्म्स वहां पे शूट किया था। क्या लॉन्च के लिए इसलिए कि मैं खिसारी जी को पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि आइए तुम जयपुर आइए और हम लोगों ने भी हमने 5 गाने शूट किए। देखिए जमशेदपुर हमसे दूर थोड़ी है, जमशेदपुर में रहने वाले हमारे दिल में हैं, हमें प्यार करते हैं और जहाँ लोग हमें प्यार करते हैं वो जगह हमारी हो जाती है और यहाँ हमारे बद्री झा जी का घर है
और इनका घर है तो हमारा घर है और आप सब हमारे परिवार के हिस्सा है और आप सबके परिवार के मैं एक बेटा हूँ। तो ये जमशेदपुर इंडिया में ही है और हमारे दिल में है, तो इसलिए हम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं कि हम अपनी होली शूट कर रहे थे। 5 गाने हमने किया है सारे गमा के लिए और उसी का शूट कर रहे थे, तो हम सोचे कि भाई रिलीज भी यहीं कर देते। 2004 में देखा था और एक बार और मैं आया था यहाँ पे कार्यक्रम का। एक हाँ काली पूजा में आया था, बहुत भीड़ था वहाँ पे, कार्यक्रम बहुत कम टाइम में हो पाया क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्राउड बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ अब मैं बहुत जल्दी कार्यक्रम यहाँ करने वाला हूँ, चैरिटी शो एक करूँगा मैं जो कि कुछ लोगों के हेल्प के लिए करूँगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आऊँगा वहाँ उसमें, ताकि हम कुछ गरीब लोगों का हेल्प कर सके, कुछ विकलांग लोगों का हेल्प कर सके, कुछ विधा आश्रम से लेकर अनाथ आश्रम तक चैरिटी के नाम पे मैं करने वाला हूँ, ताकि मैं अपनी तरफ से अपना ऊर्जा लगाकर कुछ लोगों का हेल्प कर सकूं। बात ऐसा है आपके घर में कितने सारे बच्चे हैं, 4 से 5 बच्चे होंगे या 10 बच्चे होंगे, सारे बच्चे आपके ही घर के बच्चे, सारे बच्चे ऐसा नहीं कि सब अच्छा करते हैं, तो कुछ बच्चे बुरा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें गलत होगी, पूरा फैमिली गलत है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग और जहां तक मुझे लगता है कुछ यूट्यूबर जिनको मैंने अपने आप को पत्रकार ही बोलते हैं, जब उनको ये पता नहीं, वो अपने चैनल का व्यूअर बढ़ाने के लिए, अब नेशनल मीडिया तो इस टाइप की टाइटलिंग नहीं करेगा ना, नेशनल मीडिया अपना दायरे में रहकर टाइटलिंग करता है, वो लोग टाइटलिंग इतने गलत कर देते हैं कि हमारा भोजपुरी, अब कोई भी चीज अगर धंधा एक आदमी करता है तो उसको 25 आदमी प्रमोट करता है कि गंदा हुआ है गंदा हुआ है, तो होता क्या है कि अब उस गंदा को सुनने के लिए लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसको सुन लेते हैं, सुनते हैं तो कंपनी का व्यूअर बढ़ता है, अभीवर बढ़ता है तो कंपनी भी बेहतर चीज नहीं कराती है। हम हमेशा देवी गीत भी गाते हैं, छठ भजन भी गाते हैं, कांवर भजन भी गाते हैं, उसके 500 मिलियन नहीं होते, तो मेरे गाने का मतलब पहले हमें खुद को बदलने की जरूरत है, हम अपनी मानसिकता को बदलेंगे तो साथ में चलने वाली लड़की हमारी सिर्फ गर्लफ्रेंड और हमारी बीवी नहीं हो सकती, हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है, अब सामने वाले के नजरिया क्या है उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते आप तय करते हैं या हम किस रिश्ते में जा रहे हैं, क्योंकि आपका देखने का नजरिया है तो तय करेगा कि आपकी भोजपुरी कितनी गंदी हुई है, जहां तक आपने पठान की बात की। तो संगीत का कोई कलर नहीं होता, संगीत की कोई जात नहीं होती, कला का कोई मजहब नहीं होता, तो हम लोग ऐसे हैं कि हम कलाकार हैं, हमारा कोई आकार नहीं है, हम सबके दिल में रहते हैं, हम सब जाति के हैं, हम सब धर्म के हैं, हम सब देश के हैं, जहां जहां